हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ सेबी में आई हुई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। कितनी रिक्रूटमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप मेरे वीडियो को डेली देखते हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट के वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। एनीवे, तो हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो इसमें ग्रेड ए की वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है। और इसमें जो पोस्ट दे रखी हैं उसमें पहला पोस्ट है जनरल। जनरल का मतलब ये नहीं कि कास्ट, यहाँ पे जनरल का मतलब स्ट्रीम दिया हुआ है। तो इसमें 62 वैकेंसी है जिसमें मास्टर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए इन डिसिप्लिन, इन एनी डिसिप्लिन। साथ में अगर आपने बैचलर डिग्री की है लॉ में, अगर आपने बैचलर डिग्री करी है इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री करी है आपने इन सब स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर लीगल की बात करें तो इसमें 5 वैकेंसी है। और इसमें जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन लॉ और डिजरेबल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है। डिजरेबल का आप मतलब समझ सकते हो, अगर आपके पास है तो भी सही है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिजरेबल में 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट अगर है आपके पास तो कोई दिक्कत है, मतलब अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 24 पोस्ट हैं जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आप अप्लाई कर सकते हो अगर ये आपके पास है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में क्या है, मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम मैंडेटरी की डिजरेबल की बात करें तो वर्क नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म एंड फायर अलार्म सिस्टम, इन सब का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये डिजरेबल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रिसर्च में की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है और इसमें मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 ईयर का, मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनोमेट्रिक्स एंड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स फाइनेंस इन इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो अगर इनमें आपने किया है 2 ईयर का डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर आपने मास्टर डिग्री इन हिंदी, हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहने अगर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट, ये सब आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज की बात करें तो 31 मार्च तक अगर आपका एज 30 रहने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 31 मार्च तक आपका एज 30 से ज़्यादा हो रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन मोड की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 फेज में सिलेक्शन होने वाला है। 2 फेज तो आपका पेपर होने वाला है और 3rd फेज आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर पहले पेपर में आपने क्वालिफाई किया तो दूसरे पेपर में आपकी कॉल लेटर आएगी, वहाँ पे आपको उसको पेपर को निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ ही अगर सैलरी की बात करें कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है तो यहाँ पे 1 लाख अप्रोक्स 1,50,000 पर मंथ यहाँ दिया हुआ है, बाकी की अलाउंस वगैरह अलग से है। और हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो 1,000 रुपीज़
जनरल कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व के लिए। ओबीसी भी उसी में आ जाता है, उनको भी 1000 रुपये पे करने होंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस और एससीएसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी यहाँ डेट वेट कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो डेट जब भी इसका आने वाला है, जब भी ये अब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें डेट आ जाएगा कि कब से अप्लाई करना है, कब इसका लास्ट डेट है, तो उस टाइम मैं एक फुल वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटी सी लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना।